تور چھِ گژھُن گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ اَژُن دٔچھِنۍ کِنٮ۪تھ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ یِوان یہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اَکھ دٔچھِنۍ آ آ دٔچھنہِ سایڈٕ حظ آ یہِ حظ چھِ دَپسہٕ ژٕ ییٚتہِ چھِ پرٛٮ۪س والٮ۪ن کَران ٹٮ۪سٹ ये कोई पता ही नहीं चलेगा مےٚ چھِ یہِ پرٛابلِم لَگان تہِ چھِ مےٚ بَڑٕ پرٛابلِم مصیبت اس نے ڈالی ادھر جموں سے اس کو پھنسایا اس کو میڈم خوب بھی نکلتی ہے
टाइम भी चलता है, पता है किस टाइम पे क्या होगा। वो भी जस्ट सीन के घंटा के तो सेंस फिजिकल घंटा है ना, लेयर है ना, तो ये गेम सिट माइंड है। ए बसोने कार्ड से तो मैं उसको ये कोड बोलूंगा 0667। अगर किसी का वॉशरूम वॉशरूम में डोनेट कर सकते, वॉशरूम में फोटो की चार्ज मेरा लगा है पर कटिंग करते करते इसमें रिसर्च 55 ये तो देखिए जब से कोविड स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश रही कि उनकी वो सारे जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, एट रिस्क पॉपुलेशन है, उनकी टेस्टिंग की जाए। जैसे कि पहले कोई ट्रैवलर आ रहे थे, अभी आ रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग हो रही है एयरपोर्ट्स पे, या जब वो बाई रोड आते हैं उनकी सैम्पलिंग होती है। उसके बाद जब भी कोई शख्स पॉजिटिव निकलता है तो उनकी फैमिली वालों की टेस्टिंग की जाती है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे हाई रिस्क पॉपुलेशन है जिनका इन्फेक्शन लगने के अहतमाल बढ़ सकते हैं, जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, और इसी तरह मीडिया से वाबस्ता लोग अशखाज भी हैं, उनमें भी इन्फेक्शन लगने के खदशे आते हैं क्योंकि वो कम्युनिटी में जाके अपना प्रोफेशनल काम करते हैं। तो उसमें से जो पहला टेस्ट किया जाता है वो RT-PCR टेस्ट है, जिससे ये पता चलता है कि इन्फेक्शन हम देखते हैं। और दूसरा टेस्ट जो आजकल हम इस वक्त कर रहे हैं, जिसमें आप शमूलियत कर रहे हैं, ये है एंटीबॉडीज़, कि जिस भी शख्स में इन्फेक्शन दाखिल होता है तो उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एंटीबॉडीज़ का मतलब कि एक प्रोटेक्शन उनमें आ चुकी होती है इन्फेक्शन की। सो आज जो है हम एंटीबॉडीज़ देखना चाहते हैं मीडिया फ्रेटर्निटी में, ताकि ये पता चले कि रिसेंटली इनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है कोविड का, और अगर एंटीबॉडीज़ बनी हैं तो कितने दर्जे की एंटीबॉडीज़ बनी है, और अगर ना बनी हो तो इसका मतलब ये भी है कि उनमें और ज़्यादा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है?